हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं रेडी हो रखी हूँ। तो मैं रेडी इसलिए हुई क्योंकि आज है संडे और मैं जाने वाली हूँ गांव। आज फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी हमारा गांव कैसा है। तो मैं सिंपल रेडी हुई क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ सोलो ट्रैवल। मतलब बहुत लोग का ड्रीम होता है ये, और मेरा भी। लेकिन आज मैं पहली बार अकेले जा रही हूँ गांव, जो कि दो ढाई घंटे का रास्ता है यहाँ से हमारे गांव के लिए। तो मैं बीच बीच में कहीं कहीं रुकूंगी रेस्ट लेने के लिए। तो फिर मैं आपको सीन दिखाऊंगी हमारे गांव का कैसा है, मतलब हमारे गांव के रास्ते का कैसा है। तो फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी करीब 12 बजने वाले हैं, तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी ही। अभी तो बहुत धूप है, इसलिए मैंने फुल स्लीप का पहना है। ये है जो मैंने मीशो से मंगाया था, वो है ये वाली सूट। क्योंकि मेरे पास एक और थी, मैंने कुछ और डिसाइड किया था कि मैं वो पहनूंगी, लेकिन अब धूप हो रही है तो इससे पूरी मतलब बहुत हो जाएगा, पूरा हाथ हाथ जल जाएंगे ना। एक तो स्कूटी में जा रही हूँ, तो फिर आपको मैं मिलती हूँ वहीं पर जहाँ मैं रेस्ट करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हे गाइस, तो अभी हम पहुँचे हैं लगभग, देखो मतलब अब मैंने आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं किया है। आज मैंने वाला हेलमेट पहना है भाई का, क्योंकि इससे वो सब कुछ कवर रहता है ना। तभी मुझे छोटा वाला हेलमेट मिल नहीं रहा था, तो मैं ये वाला लेके आ गई साथ अपने। तो अभी हम पहुँचे हैं जस्ट घाट के ऊपर। ये जो है वो घाट वाली नदी है, वो ये घाट वाला रोड है जो इस साइड को दिख रहा है आपको। हमारा गाँव का रास्ता थोड़े ऊपर को है, फिर वो नीचे भी है। ये कहते हैं इसको मीना बाज़ार, ये वाला एरिया मीना बाज़ार वाला एरिया है। तो क्या बोलूँ उससे ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। ये वैसे रेस्ट वाली जगह नहीं, मैं आपको सीन दिखाना चाह रही थी। थोड़ा खुला फील हुआ, मैं आपको सीन दिखाना चाह रही थी तभी। तो गाइस फाइनली मैं अपनी मतलब आधा रास्ता क्रॉस कर चुकी हूँ। मुझे बताओ कौन कौन पहचान पा रहा है कौन सी जगह है। ये घाट से काफ़ी आगे की जगह है, मतलब ये है बेड़ भट्टियानी, ये वाला एरिया, इसको बेड़ भट्टियानी कहते हैं। अब ऊपर पता नहीं क्या, यहाँ से ऊपर मेल्टिन आते हैं। अगर आपको पता होगा ये पंचेश्वर, हमारे गांव की रोड जो है उसको पंचेश्वर रोड भी कहते हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। मुझे आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। यहाँ रोड थोड़ी ऐसी है, कच्ची रोड है ये, तो फिर भी ठीक है। यहाँ बेड़ भट्टियाने में तो ऐसी हो रखी है ना रोड, यहाँ इस वाले इलाके में भयंकर। पैर नीचे रख रख के ले के आई हूँ। ये है वो है सरयू नदी, अगर आपको दिख तो नहीं रही है, वो छोटी सी दिख रही है जो घाट कहते हैं, घाट वाली रोड वो उधर है। मैंने इसके भी ये वाली रोड से मैं पूरा क्रॉस करके आई हूँ, यहाँ फिर यहाँ। फिर मुझे अभी और बहुत आगे जाना है। ये वाला इलाके में बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे पहले, क्योंकि यहाँ से पत्थर भी ऐसे, लैंडस्लाइड बहुत होती है इस वाले एरिया में जब बारिश का मौसम होता है। तो दिखा रही थी ना, अब भी जस्ट वीडियो बनाई है मैंने, जो वो इस मोड़ के उस पार से बनाई थी, क्योंकि फिर उस साइड से बेड़ भट्टियानी वाली रोड नहीं दिखती ना तभी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ हैं, पेड़ देख रहे हो कि कितने हजार साल पुराने होंगे, हजार या सौ साल समथिंग, क्योंकि ये बहुत पहले से ही ये पेड़। पहले हमारे गांव को, जब मैं क्लास थर्ड फोर्थ में थी ना, तब हमारे गांव को रोड नहीं थी, मतलब ये रोड थी ही नहीं। तो हम लोग ऊपर के रास्ते जाते थे यहाँ से, मतलब बेड़ भट्टानी से जाता है एक रास्ता ऊपर को मेल्टीनाथ को। यहाँ इसके ऊपर मेल्टीनाथ वाला मंदिर है, लटाथान, लटा भगवान का कहते हैं ना जो, तो लटाथान है। यहाँ से ऊपर को जाता है रास्ता, फिर वहाँ से फिर हम नीचे अपने गांव को आते थे। तो वो मेन मंदिर है हमारा, हमारा भी मेन मंदिर वही हुआ। तो आप देख सकते हो अभी ये एरिया, मुझे नहीं पता, कल दिखाएंगे, कल मैं बताऊंगी आपको जब हम घर को आएंगे ना, तब पापा के साथ आऊंगी तो पापा बताएंगे। फिलहाल बस यही सीन है, यहाँ से आगे को जाना है अभी हमें। तो बस फाइनली मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ, बस ये मोड़ है, इस मोड़ के बाद हमारा गांव आ जाता है। तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। इतनी गर्मी हो रही है ना, बाय गॉड, थैंक गॉड मैं फुल पहन के आई कुछ, मतलब नहीं तो अभी तक तो मेरा हाथ जल जाता इतनी धूप में। और गर्मी ऐसी हो रही ना, मतलब ये अजीब सी गर्मी नहीं होती है, उमस टाइप की गर्मी। देखोगे आप, सूरज भी अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, उस साइड को पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा इस साइड को, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है। तो इस साइड गांव साइड में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ नदी है ना, ये जो नदी जा रही है नीचे, यहाँ ये है सरयू नदी। और ये वाला गाँव यहाँ पर देखोगे आप, तो दिखाऊँ ये वाला गाँव देखो, ये इसको सिमली निसनी कुछ कहते हैं, सिमली कहते हैं या निसनी, इन दोनों में से कुछ एक कहते हैं। एक गाँव इस साइड है, एक गाँव उस साइड है। अब सिमली निसनी क्या है मुझे नहीं पता, तो ये सब भी कल करेंगे, कल मतलब पापा को पूछूंगी, तो रास्ते में जाते जाते बताऊंगी। तो आप देखो व्यू, पहले तो मैं व्यू दिखाने के लिए रुकी थी। ये पेड़ की छांव है, ये पेड़ है जो मुझे छांव दे रहा है नहीं तो इधर भी धूप, इस साइड को और इस साइड को भी धूप, जैसा आप देख रहे हो।
तो यहाँ से ऊपर को हमारा गांव का रास्ता जाता है। देखो बढ़िया लग रहा है, ये नया बनाया, आजकल ही बनाया है। तो बस यहीं तक है हमारी रोड, अब इसके ऊपर चल के जाना पड़ेगा। गांव तक भी स्कूटी तो चली जाती है लेकिन वो बहुत आगे से घूम के जाती है, रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। तो मैं यहीं रखूँगी गैराज में, या तो यहाँ रखूँगी इस वाले में, या फिर वो आगे वाले में जो मैं आपको दिखा रही थी। तो देखते हैं, कॉल करती हूँ पहले पापा को कि कहाँ रखूँ करके, मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से। तब तक गाइस हम चले अब गांव को, रास्ते रास्ते वैसे थकान भी जाएगी क्योंकि मेरे बैग बहुत भारी हो रहे हैं। मम्मी ने सामान मंगाया था कुछ, इसके वजह से मुझे लाना पड़ा। आज मुझे तो ऑड लग रहा है ना, मैं पहली बार सूट पहन के गांव जा रही हूँ एक तो, और बाल भी ऐसे, बाल तो खैर मैंने ऐसे बनाया क्योंकि रास्ते में बहुत धूल ही धूल होती है, रोड सही नहीं है ना यहाँ की। तो मैंने आज सुबह शैम्पू किया है, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं घर जाके बना लूँगी अपने अच्छे से बाल। नॉट बैड, ये भी सूट के साथ मैच हो रहे हैं वैसे भी। तो मेरे को आज का रिएक्शन देखना है सबका, कि सब क्या कहते हैं मुझे सूट पे। आज तो मुझे सूट पहनने का इतना शौक हो रहा है ना, विद दुपट्टा, वो भी कुर्ती वाला भी नहीं। सो मैंने बहुत सारे मंगाए हैं। देखो हमारे यहाँ के रास्ते ऐसे होते हैं, आगे को मैं दिखा दी आपको। जैसे चप्पल गीले होते हैं तब नहीं करते हैं। वाह यार, ये आजकल मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ गाँव। ये वाला रास्ता ऊपर को जाते हैं, ये पूरे गांव से होके जाता है, लेकिन हमारा गांव, हमारा घर नीचे को है तो हम खेत के रास्ते जाते हैं, गांव के रास्ते नहीं जाते। वैसे भी शर्म बहुत लगती है, सब देखते ही रह जाते हैं। तो हम ये वाले रास्ते जाएंगे, हमारे घर के रास्ते। शायद आते वक्त कल आ सकूँ मैं ऊपर के रास्ते, अगर मम्मी लोग आएंगे तो। ये वाला रास्ता भी अच्छा है, अच्छा नहीं है, शॉर्ट है हमारे घर के लिए। यहाँ से मैं आपको हमारा पूरा गांव दिखा दूँ। तो गाइस आप ऐसे रास्ते में चढ़े हो क्या, इन पत्थरों से होके ऊपर को चढ़ना है कहीं पे? तो पहले इस वाले में, फिर इस वाले में। ओ भाई मुझे हमारा गांव है। आज दो दो जगह है शायद पूजा पाठ है ना, घर में पाठ कर रहे हैं। तो एक तो दूसरी वाली ताई जी, मतलब वो भी हमारे सगे हुए थे, सब हमारे बो भाई लोग, सबसे पहले उनका घर आएगा तो अभी वहाँ पे भात खा रहे हैं यार। सब्जी में कैसे जाऊँगी इनके सामने से। वो देखो अब हमारा गांव आ गया। यो मेरा गांव छा, मैं आगे से दिखा दी। और यहाँ हमारा खेत, ओके ये हमारा घर है। सबसे नीचे कहा था ना ये वाला हिस्सा, ताई जी और हमारा है। सामने से दिखाऊंगी, ये पीछे वाला हमारा है, फिर वाइट वाला ताई जी का है, फिर ये आगे वाला भाभी लोग का है, मतलब ताई जी लोग का ही। और यहाँ पर भात खा रहे हैं यार सब। शर्म आ रही है मुझे जाने में, यहीं से होके जाते हैं ना, क्योंकि खुशी फाइनली हम पहुँच गए घर। अरे मेरे दादा ताजी कैसे हो? भाई मैं अभी भाभी के कमरे में, भाभी लोग सब उतर ही गए हैं खाना खाने दिन का, और फैन के नीचे आएंगे। हाँ आ जाएंगे। मैं तो दादा से कह रही हूँ भाभी को कोई चप्पल दे दो। अरे बहुत प्यारी भाभी है। भाभी प्रणाम, कैसे हो? हाँ आप कैसे हो? ये देखो, ये नए कपड़े, ये लग ही नहीं रहे, कैसे लगाते हो आप? लगाओ तो। अरे नहीं लग रहा था। हम लोग तीनों लगाने में पड़े हुए हैं। लेके आओ ना। नहीं नहीं चलो मैं भी आती हूँ।
ये सेम दो कपड़े क्यों नहीं खाते? एक ही ऐसे कपड़े। हाँ देखो मैचिंग मैचिंग। नैनू और मुझे क्या मिला? नैनू नमकीन। और ये हमारे केले के पेड़ हैं, देखो फिलहाल तो नहीं लगे हैं केले, मतलब लगे थे तोड़ दिए क्योंकि ख़राब हो जाते हैं ना, तो कच्चे में तोड़ देते हैं उसको, फिर घर पे गर्म मतलब कहीं दबा कर रखते हैं गर्म में, उसके बाद फिर वो पकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारा वॉशरूम, ये हमारा घर, यहाँ से पूरा 3 मंजिला हमारा ही हुआ। और ये हर्षु को का है। और ये हमारे अठन्नी का पेड़ है पर लगे नहीं है इसमें, अभी लगेंगे, अमरूद लगते हैं जब तब लगते हैं। और ये अमरूद का पेड़ है ज़्यादा, यही सब बनाने के लिए मम्मी लोग जल्दी आए थे पेंट वेंट करने के लिए, पेंट हो गया है, फिर रेलिंग्स लगाना था, ये वाले पूरी टूट गई थी ना तो ऊपर, अब मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी आप। गर्मी में तरबूज काटा जा रहा है भाभी के थ्रू। मेरी बहुत प्यारी भाभी है, मेरी छोटी भाभी है ना सबसे छोटी, और ये मेरे छोटे भैया सबसे छोटे, इनके हस्बैंड है ना, और ये मेरी भतीजी है। सो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे और व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।